शॉनडोंग प्रांत में चीन के पोत दौड़े। मिसाइलों ने बारूद बरसाए। अत्याधुनिक हथियारों ने गोलियों की बौछार कर दी। ये वीडियो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का है, जिसमें चीन के जवानों ने युद्ध जैसा माहौल बना दिया। चीन नेवी ने अपने गाइडेड मिसाइल से ताकत नुमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ी। रूस भी इस गेम्स का हिस्सा था। इस वीडियो का ताइवान से डायरेक्ट लेना देना भले ही ना हो, लेकिन ये तो साफ है कि चीन का इरादा सिर्फ एक है, ताइवान के दिल में खौफ भरना, उसे डराना, धमकाना। ये अलग बात है कि अब तक चीन की ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि चीन के मुकाबले में बेहद छोटा और कम ताकतवर देश ताइवान के हौसले बेहद बुलंद हैं। इसकी खास वजह है वहाँ के लड़ाके जो चीन से लगी अपनी सरहद की निगहबानी में जुटे हैं, तो सीमा के अंदरूनी हिस्से में स्पेशल कमांडोज फुल अलर्ट फॉर्म में हैं। ये ताइवान के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस का हिस्सा है, और अगर आप इनको देखें तो ये जो ऑपरेशन जिसको इस समय अंजाम दे रहे हैं वो एक बिल्डिंग ब्रीच ऑपरेशन कहलाता है। यानी वो किस तरह से उन्हें किसी इलाके में अगर खबर मिले कि कोई दुश्मन को कोई जानकारी दे रहा है या कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी कहीं हो रही है, तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, कैसे उन लोगों को पकड़ा जा सकता है, ये उस एक्सरसाइज का हिस्सा है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं ये दस्ते। इनके हथियार हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये अमेरिका में निर्मित बॉम्ब प्रूफ गाड़ी, इसको कहा जाता है कि अगर ये बारूदी सुरंग के ऊपर से भी गुजरे तो नीचे से ये इतनी आर्मर प्लेटेड है कि ये बची रहेगी। और यही इनके टायर्स के बारे में कहा जाता है कि टायर्स भी फटने के बावजूद 50 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है। उसके अलावा अगर आप इन जवानों को देखें जब ये अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो किस तरह से ये पोजिशन लेते हैं। चीन को किसी की परवाह नहीं, उसे सिर्फ अपनी विस्तारवादी नीति का ख्याल है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से चीन ताइवान को लगातार धमकाता रहा है। अमेरिका उसे फूटी आंख नहीं सुहा, वो ताइवान को अपनी ताकत प्रदर्शनी की प्रयोगशाला बनाना चाहता है। चीन की चाल है कि ताइवान को वो परेशान कर दे और अमेरिका जैसे ताइवान के दोस्त देखते रह जाए। अपनी उसी फितरत को अंजाम देने की हिमाकत चीन करता आया है। हाल के दिनों की बात करें तो 13 अगस्त को चीन ने दुस्साहस किया। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन के 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में दाखिल हुए। 14 अगस्त को भी वैसी ही घटना घटी। 11 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के अंदर दाखिल हो गए और फिर लौट गए। 19 अगस्त को भी ताइवान ने दावा किया कि 17 चीनी जहाज और 6 शिप उसकी सीमा के इर्द गिर्द मंडराते दिखे। दुनिया ने देखा है चीन ने हाल के दिनों में कैसे युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। ड्रैगन ने युद्धाभ्यास कर ताइवान को डराने की कोशिश की है, तो ताइवान के मददगारों को चेताया है। चीन ललकारता रहा है तो ताइवान भी खुद को तैयार बता रहा है। एंटी मिसाइल सिस्टम से लेकर लड़ाकू विमान तक एक्शन में है। ताइवान के इस भरोसे के पीछे अमेरिका है, जो संकट की शुरुआत से लेकर अब तक हर वक्त ताइवान को पल पल साथ देने का वादा दोहराता रहा है। अमेरिका के युद्धपोत दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात हैं। ताइवान को वो अमेरिकी युद्धपोत बड़ी ताकत के रूप में नजर आ रही है। इसके साथ साथ ताइवान के पास भी बेहद उन्नत किस्म के एंटी एयरक्राफ्ट
और एंटी बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें ताइवान ने बेहद सुरक्षित स्थानों पर तैनात कर रखा है। ये चीन की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर तुरंत तबाह कर सकते हैं। ताइवान ने चीन को समुद्री सीमा से पहले रोकने का इंतजाम भी कर रखा है। तैयारी माइंस बिछाने की है। समंदर में बिछी माइंस चीनी नौसेना के जहाजों को समंदर में दफन कर देगी। ताइवान की राजधानी ताइपे से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।